अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनाज़ किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो आज की जो रेसिपी है वो टिफ़िन को लेकर ही है, और मैं अभी हमज़ा का टिफ़िन ही रेडी कर रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे रोटी और सब्ज़ी खाकर बोर हो जाते हैं, उनका मन नहीं होता है कि आज मैं सब्ज़ी रोटी ले जाऊँ, तो उस वक्त मैं क्या करती हूँ कि ये सोया चंक वाला पुलाव बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी से भी बन जाता है, लेकिन इसकी जो चावल होते हैं वो एक दिन पहले के हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आप फ्रेश भी बना लोगे तो भी चलेगा, लेकिन ठंडे होने चाहिए चावल, फिर वो चिपचिपे नहीं बनते, से खुले खुले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली जिसको मुझे कटिंग वगैरह करना है, लेकिन उसके पहले मैं क्या कर लूँगी कि मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और उसके अंदर मैं हाफ कप के करीब जो है सोया चंक्स ऐड कर लूँगी, और इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर रख दूँगी, बाद में इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी मैं कट कर रही हूँ प्याज, मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसे बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे ऑमलेट कट के जैसे, और मैंने एक टमाटर ले लिया था उसको भी हम ऑमलेट कट के जैसे बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो घर में आपने वो ऐड कर लेनी, जैसे कि शिमला मिर्च होगी तो आपने शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर लेनी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल यहाँ पर गाजर था तो मैंने गाजर आधे में से भी आधा इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमज़ा है ना सब्ज़ी खाने में थोड़े नखरे करता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सी इसके अंदर गाजर ऐड करूँगी, और वो भी एकदम बारीक बारीक सा चॉप करके, ताकि उसके मुँह में ना, अगर मुँह में आ जाएगा ना तो फिर वो खाएगा नहीं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं लहसुन, लहसुन और अदरक को भी हम बारीक बारीक से चॉप करके इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब हम पेस्ट डालते हैं ना, पेस्ट डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना हम बारीक बारीक चॉप करके जब अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड करते हैं, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए कि छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा भी कट कर लिया है, और 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियाँ उसे भी मैंने बारीक बारीक से चॉप कर ली हैं, और हरी मिर्च जो फीकी वाली होती है वो मैंने यहाँ पर ले ली है बारीक बारीक, उसको भी कट कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हो तो आप तीखी वाली भी मिर्ची ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है हमज़ा के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सी मिर्ची जो है कम ली है और फीकी वाली मिर्ची ली है। ये देखिए जब तक कटिंग वटिंग होने तक जो है सोया चंक्स भी अच्छे से भीग गए थे 5 मिनट के बाद, अच्छे से सॉफ्ट हो जाते, उसको निथार लेना है पानी से, इन्हें अच्छे से दबा के स्क्वीज़ कर लेना है और उसे साइड में रख देना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैंने तेल ऐड कर लिया था 2 टेबल स्पून के करीब, उसके अंदर मैं थोड़ा सी ज़ीरा और 2-3 मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर ली थी, और उसे अच्छे से सौते कर लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर ली है, और फिर मैंने उसे अच्छे सौते कर लिया था, यानी कि थोड़ा सी कलर चेंज होने तक। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी बारीक कटी हुई प्याज, वैसे भी हम अच्छे से कलर चेंज होने तक कुक कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था टमाटर, टमाटर जैसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे जो भी मसाले इसमें पड़ने हैं वो हम ऐड कर लेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते इसमें, बहुत कम पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली थी 1 TSP के करीब, या फिर उससे भी थोड़ी सी कम, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था 1/2 टेबल स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया था, और ये जो मैंने पाउडर ऐड किया ये पाव भाजी मसाला मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो किचन किंग मसाला जो होता है वो भी आपने इसमें ऐड करोगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा, अगर वो भी नहीं है तो कोई भी बिरयानी मसाला जो भी आपके पास होगा वो आपने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर लेना है, और नमक को थोड़ा सी ध्यान में रख के ऐड करना है, क्योंकि चावलों में भी नमक होता है, अगर आप फीके चावल बनाते हो तो फिर आपने उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लेना है। अच्छे से जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सी पानी डाल के मैंने सारे मसालों को भून लिया था, जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैंने गाजर और जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो मैंने ऐड कर लिया, आप चाहो तो उसमें मटर भी ऐड कर सकते हो, मटर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, और 1 टेबल स्पून के करीब ना आपको दही भी इसमें ऐड करना है, मेरे पास अभी दही नहीं था इसीलिए मैंने दही ऐड नहीं किया, उससे भी बहुत अच्छा ये सोया चंक्स का पुलाव जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब अच्छे से सारे मसाले भून जाएंगे और गाजर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हमने इसके अंदर सोया चंक्स को ऐड कर लेना है, और इसको सारे मसालों के अंदर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सी पानी इसके अंदर और ऐड कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाए सोया चंक्स के ऊपर। बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और बॉईल किए हुए चावल, ये रात में ही मैंने ज़्यादा बना लिए थे बस वही मैंने ऐड कर लिए, लेकिन अगर आप ताज़े चावल बनाते हो तो आपने क्या करना है, पहले से बना के रखना है, उसको थोड़ा ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने ऐड करना है। अगर आप गर्म गर्म में इसको ऐड कर दोगे तो थोड़े चिपचिपे से बन जाएंगे और फिर यानी कि वो अच्छे भी नहीं लगेंगे दिखने में भी। ये देखिए जब चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके ऊपर खूब सारा मैंने हरा धनिया कट कर ऐड कर लिया है, और हमारा सोया चंक्स का जो पुलाव है वो बनकर रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, और स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद
पसंद आता है और सोया चंक्स ऐसे भी हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो बच्चे एक हेल्दी टिफिन लेकर जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ऊपर से थोड़ा सी मैंने बिरिस्ता ऐड कर लिया था, वो ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आपने ऐड करना, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये रहा हमारा सोया चंक्स का पुलाव रेडी, बहुत सुपर टेस्टी बना था। इसमें जब स्वीट कॉर्न बच्चे खाते हैं ना तो एक मीठा से स्वाद आता है, उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमजा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमजा को क्या, मेरे तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।